हाय गाइस, आज मैं बना रही हूँ अरवी का पत्ता। और इसे मैंने देखिए अच्छी तरह से काट लिया है। उसको मैंने अच्छी तरह से देखिए काट लिया है और उसको अच्छे से धो दिया है मैंने। अच्छे से मैम देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने धो के रख दिया है मैंने धो के। तो मुझे आपको दिखाना था, इसके लिए मैंने ये वापस आपको दिखाया। इस तरीके से अच्छे से धोना है बड़े बर्तन में। और अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10-12 कलर लहसुन लिए हैं और चाट अदरक लिए हैं इसमें, और कुछ 6 मिर्ची लिए हैं, और ये खटाई है, खट्टा डालना है तो हम इसे ही मैं डालूंगी इसमें। हम इसे भरा मिर्चा बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। इससे जो गले में काटा है ये इसकी खटास से ये नहीं होगा, अच्छे टेस्ट आएंगे इससे। मैं आपको सब दिखाती हूँ, ठीक है। और इस डब्बे में मैंने बेसन लिया है, इस बेसन में मैं अच्छी तरह फेटूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। आपको एक एक स्टेप बताऊंगी मैं आपको कैसे मैं करूंगी। अब मैंने जो भरा मिर्चा जो खटाई था मैंने इसको मिक्सर की वाटी में ले लिया है, और मैं अभी इसमें अदरक डालूंगी और हरी मिर्ची डालूंगी मैं, और जो मैंने लहसुन लिया है वो डालूंगी, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्सर में पीस लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो अदरक लहसुन मिर्ची और खटाई डाल के जो पीसा था इसका ये पैटर्न है, और ये मैंने हल्दी डाला है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जो हमारे पैटर्न मिक्सर की बाटी में जो मसाले के पानी बचे हैं हम उसी को यूज़ करेंगे, और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। इतनी ही पानी में अब हमें अच्छे से इसको देखिए इसका जो पतलापन है इतना ही रहना चाहिए, ना इससे जाड़ा रहे ना इससे पतला रहे, ठीक है, इतना ही इसका कीजिए आप। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पत्ते में कैसे लगाना है। देखिए मैं अभी बना रही हूँ और इसको इस तरह से बनाते हैं। और इसे इस साइड से फोल्ड करना है, और इसे इस साइड से फोल्ड करना है। और इसे इस तरह से फोल्ड करते रहिए। आप देख सकते हैं मैंने 10 पत्ते के 2 बना चुकी हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख चुकी है, गैस खास है, और मैंने बीच में कटोरी रखा है, और ये जो छन्नी है इसको अच्छी तरह तेल लगा दूंगी इसमें, और इसको ऐसे बीच में इसे एक छन्नी में मैंने तेल अच्छी तरह से लगा दिया है, और मैं एक एक ये उठा के इसमें रखूंगी दिया है, और ये अच्छी तरह से पक जाएगा आधा घंटे। देख सकते हैं मेरा अरवी का पत्ते का वड़ा रेडी हो चुका है, और इसे हम ठंडा होने के बाद इसको एक एक पीस काट के इसको फ्राई करके भी हम आपको दिखाएंगे। हाय फ्रेंड, आपको अरवी के पत्ते का वड़ा कैसा लगा? आपको अगर पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।